हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे नए वीडियो में। देखिए, आज रात में पीसीसी का कार्य चल रहा है और पीसीसी के लिए क्या क्या उपाय, अगर रात में काम कराना है तो किन किन बातों का ध्यान करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम लोग को लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि उजाला रहे, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो कम उजाले में काम करने में दिक्कत आती है। तो देखिए, इस ब्लॉक में लमसम आधा पीसीसी हो गया है और आधी पीसीसी बची है। आज टारगेट लिए हैं ये लोग कि आज कंप्लीट कर देंगे पीसीसी। सभी लोग उसी में लगे पड़े हैं। देखिए, पीसीसी में हमारी M25 की कंक्रीट यूज हो रही है और जो पीसीसी की थिकनेस है वो 100 mm है। देखिए, और उसके आगे वाले ब्लॉक में प्लिंथ बीम में कास्टिंग चल रही है। और इस ब्लॉक में देखिए, इसमें प्लिंथ बीम की कास्टिंग हो गई है और इसके ऊपर भी लेआउट हो गया है। और आइए आपको ब्लॉक दिखाते हैं। इस ब्लॉक में कॉलम की कास्टिंग हो चुकी है। देखिए, चारों तरफ से सपोर्ट लगाया गया है कि ताकि जो हमारा साहुल कॉलम पे किया गया हो इधर उधर भागे ना। देखिए, इधर से भी एक सपोर्ट लगाया गया है और ये लगाया गया है, इसका इसको कसा गया है शटरिंग की। जब हम वाइब्रेटर डालते हैं तो हमारी शटरिंग भग जाती है, फैल जाती है, इसलिए ये हम लगाए हैं सिकंजा ताकि हमारी शटरिंग भगे ना और जो हमारा ओरिजिनल साइज है कॉलम का वो मिल सके। देखिए, लमसम इस ब्लॉक में आधे कॉलम की कास्टिंग हो चुकी है और जिस कॉलम का कास्टिंग हो गया है उसमें सुत्ती के बोरे से लपेट दिया गया है ताकि जब हम क्यूरिंग करें तो कुछ समय तक बोरे में भी पानी रहेगा तो वो ज़्यादा देर तक उसका असर रहेगा। और अगर हम डायरेक्ट कॉलम पे क्यूरिंग करते हैं तो आधा एक घंटे में सूखे उसके बाद ख़त्म हो जाता है, इसीलिए सुत्ती के बोरे को लपेट दिया गया कॉलम में। देखिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।